भाई साहब यहाँ देखिए, ये सड़क थोड़ी लग रही है, तो खड्ड लग रही है। देखिए पानी ही पानी, देखिए पानी ही पानी, इतना पानी सड़क में, तो देख सकते हैं कितनी जोर से बरसात हो रही है रोड में। ये देखिए सड़क में, देखिए कितने जोरों से बारिश की बूंदे ऊपर उठ रही है, और पानी देखिए जहाँ की ना मात्र का पानी नहीं होता था वहाँ पानी देखिए आ जाए। ये देखिए आवाज सुनिए आप, छाते में कितनी जोरों से लगी हुई है, बहुत ही खतरनाक भयंकर बारिश हो रही है फ्रेंड। और यहाँ देखिए झरने बन गए हर जगह, ही झरने झरने। भाई साहब अगर ऐसी बारिश रही तो देख सकते हैं आप पूरी तरह से फ्लड आ सकता है, तो इसलिए घर से बाहर ना निकलेगी और बचे रहिए और खुद को भी बचा के रखिए, नदी नालों और जहाँ पर स्लाइड हो रहा है उनसे दूरी रहिए तो बेहतर है खुद के लिए ही। और आप देख सकते हैं कि वो नदी का स्तर कितना बढ़ चुका है, और पुल को देखिए, पुल के ठीक नीचे से नदी बह रही है, तो देख सकते हैं आप लोग। कोट डैम के जो गेट है देखिए कितने खुल चुके हैं, पिछले कल कितने खुले थे और कितने आज कितने खुल गए, तो नदी नालों में ना जाए, बहुत ज़्यादा बाढ़ की संभावना है फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा ताबड़ तोड़ तरीके से, और पुल के ऊपर से देखिए पानी कितना गिर रहा है नीचे, देखिए पाइप भी फट चुकी है और काम कर रहे हैं लोग, और ये नीचे देखिए पानी का भाव देखिए फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा। इसलिए नदी नालों में ना जाए, जब तक घर से ज़रूरी काम ना हो बाहर ना निकले। और यही ब्रोट वैली का हाल है आज की डेट में, जो कि अभी अभी लाइव भी बोल सकते हैं आप, अभी अभी लिया हुआ है। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल के पाड़ी। तो एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो देख सकते हैं छाता लेके चला हुआ हूं, आज बारिश बड़ी ताबड़तोड़ हो रही है फ्रेंड, और सामने का व्यू दिखाता हूं आपको। नीचे देखिए खड्ड का हाल, देखिए कितनी खड्ड आ चुकी है, देख सकते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त। और सामने सड़क में पानी पानी देख सकते हैं आप, आवाज़ ही सुनाई दे रही होगी आपकी छाते की कि कितनी ज़ोरों से बारिश लगी हुई है। तो जब तक ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले, यही मैं सभी से कहूँगा। ये सामने देखिए ये लंबा डग पावर प्रोजेक्ट का पावर हाउस, यहाँ से सामने से जा रहा हूँ मैं। नीचे खड्ड को देखिए क्या ज़्यादा पानी आया हुआ है, नीचे देखिए बहुत ही ज़्यादा पानी खड्ड में, इतना पानी कहीं ज़्यादा बारिश हुई है। कोट डैम के जो गेट है देखिए कितने खुल चुके हैं, पिछले कल कितने खुले थे और कितने आज कितने खुल गए, तो नदी नालों में ना जाए, बहुत ज़्यादा बाढ़ की संभावना है फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा ताबड़ तोड़ तरीके से, और पुल के ऊपर से देखिए पानी कितना गिर रहा है नीचे, देखिए पाइप भी फट चुकी है और काम कर रहे हैं लोग, और ये नीचे देखिए पानी का भाव देखिए फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा। इसलिए नदी नालों में ना जाए, जब तक घर से ज़रूरी काम ना हो बाहर ना निकले। और यही ब्रोट वैली का हाल है आज की डेट में, जो कि अभी अभी लाइव भी बोल सकते हैं आप, अभी अभी लिया हुआ है। सड़क में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी हो रही है, देखिए पक्की सड़क में कितनी ज़ोर से बारिश लगी हुई है, नीचे देख सकते हैं आप। और ये रोड का हॉस्पिटल का पास का नज़ारा देखिए, बारिश को देखिए आप, बहुत ही ख़तरनाक। और ये लक्कड़ बाज़ार के हाल देखिए, आज बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, बहुत ही खतरनाक बारिश। भाई साहब यहाँ देखिए, ये सड़क थोड़ी लग रही है, तो खड्ड लग रही है, देखिए पानी ही पानी, देखिए पानी ही पानी, इतना पानी सड़क में, तो देख सकते हैं कितनी ज़ोर से बरसात हो रही है रोड में। ये देखिए सड़क में, देखिए कितने ज़ोरों से बारिश की बूंदे ऊपर उठ रही है, और पानी देखिए जहाँ की ना मात्र का पानी नहीं होता था वहाँ पानी देखिए आ जाए। ये देखिए आवाज़ सुनिए आप, छाते में कितनी ज़ोरों से लगी हुई है, बहुत ही खतरनाक भयंकर बारिश हो रही है फ्रेंड। और यहाँ देखिए झरने बन गए हर जगह, ही झरने झरने। खड्ड का हाल देखिए, कितनी खड्ड आ चुकी है, देख सकते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त। और सामने सड़क में पानी पानी देख सकते हैं आप, आवाज़ ही सुनाई दे रही होगी आपकी छाते की कि कितनी ज़ोरों से बारिश लगी हुई है। तो जब तक ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले, यही मैं सभी से कहूँगा। ये सामने देखिए ये लंबा डग पावर प्रोजेक्ट का पावर हाउस, यहाँ से सामने से जा रहा हूँ मैं।
नीचे खड्ड को देखिए, क्या ज़्यादा पानी आया हुआ है। नीचे देखिए बहुत ही ज़्यादा पानी, खड्ड में इतना पानी, कहीं ज़्यादा बारिश हुई है। वैली रोड वैली में बरसात तो यहाँ के देख सकते हैं आप, चार के चार गेट खुल चुके हैं, पानी इतना बढ़ चुका है आज। ये देखिए फ्रेंड, चार गेट खोल दिए गए हैं, पांच गेट और तीन गेट बच चुके हैं। देख सकते हैं इतना पानी पड़ चुका है, जो पूरा का पूरा खड्ड दिखता था नीचे वो टीला टाइप ही दिख रहा है आज बस, और सारा का सारा यहाँ भर चुका है। यहाँ तो बारिश फिलहाल रुक चुकी है, लेकिन नीचे देखिए आप, स्कूल के बच्चे स्कूल के ऊपर देख सकते हैं, छुट्टी हो चुकी है इनकी भी, तो बारिश भी चली हुई और स्कूल के बच्चे पुल के ऊपर से चले हुए हैं। पुल के नीचे पूरे गेटों का नज़ारा, पानी पानी। स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो चुकी है तो ये देख सकते हैं, और बरसात काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से, और छतरियाँ बिक रही हैं भाई, छतें बिक रहे हैं आज। ये देखिए बारिश के बाद की खूबसूरती देखिए फ्रेंड, कहीं भी जाएं आप तो बारिश के बाद का मौसम होता ही खूबसूरत है। तो हमारे यहाँ का देखिए रूट वैली का, और पानी देखिए नीचे कितना मटमैला आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और सामने का व्यू देखिए, क्या ज़बरदस्त व्यू इस टाइम का रूट वैली का। तो देख सकते हैं यहाँ पर मौसम खुल चुका है और सड़कों में पानी पानी, और ये सरकारी बस जाती हुई लोगों को अपनी मंजिल में पहुँचाते हुए। और व्यू देखिए एक नंबर, हरियाली को देखिए क्या ज़बरदस्त आ रहा है, पूरा का पूरा हरा भरा, और सामने देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। और ये लक्कड़ बाज़ार का व्यू एक नंबर ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त से भी ज़्यादा ज़बरदस्त। और इस मौसम के बीच में देखिए हम खड़े हुए, और पीछे का मौसम देखिए क्या ज़बरदस्त साफ सुथरा। और अब भी थोड़ी देर पहले इतना तांडव हुआ था कि मानो पता नहीं क्या हो जाएगा। और देखिए, और यहाँ बंदा राइड के लिए तैयार हो गया, क्योंकि धूप लगी ना बाइक में जा सकता है, नहीं तो अब तक तो बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था, बारिश इतनी हुई थी और भीग चुके थे पूरी तरह। तो अभी चलते हैं, थोड़ी देर आगे चलते हैं। एकदम से जो सूखे नाले हैं वहाँ भी पानी बढ़ सकता है, क्योंकि पहाड़ों में ज़ोरों से बारिश हो रही है दोस्तों। तो इसीलिए कोई भी नदी नाले में ऐसे लापरवाही से ना जाएँ कि कोई दुर्घटना हो जाए, इसलिए बचे रहिए और सावधानीपूर्वक नदी नालों को क्रॉस करें। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो धूप लगी है और दूसरी तरफ खड्ड कितनी ज़्यादा आ चुकी है, तो देख सकते हैं ऊपर पहाड़ों में ज़ोरों से बारिश हो रही है, और नदी नालों से बचे रहिए और दूरी बनाए रखें। बारिश के बाद का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त, व्यू को देखिए पूरी ग्रीनरी। बारिश के बाद कुछ मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारे लोहारडी रोड के नज़ारे हैं फ्रेंड, देख सकते हैं दोनों साइड बहुत ही बढ़िया हरियाली है, और इस पॉइंट को देखिए बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, जो कि हर किसी के मन को मोह लेता है, और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट। क्या हरियाली है, और लंबा डग नदी साथ में चलती हुई, और ये सड़क देखिए बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी है फ्रेंड, ज़बरदस्त। जो भी यहाँ आए उनका दिल को मोह ले, ऐसी ग्रीनरी है फ्रेंड। दोनों साइड सड़क के पेड़ ही पेड़, और बीच में सड़क। व्यू को देखिए फ्रेंड, इसे ही देखने के लिए लोग मरते जाते हैं पहाड़ों में आने के लिए। जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, देख सकते हैं ये जो बादल है नीचे,
ये आपके सामने से होते हुए गुजरते दिखाई देंगे। ऊपर से मौसम साफ और कहीं धूप लगी है और कहीं बादल और कहीं बारिश, ऐसा भी हो सकता है पहाड़ों में। जब कभी पहाड़ों में आए तो ये सभी आपको देखने को मिलेगी। और ये मेरे सामने की ग्रीनरी देखिए, ये सड़क और ये ग्रीनरी, क्या ज़बरदस्त व्यू है फ्रेंड, एक नंबर एक नंबर, जिसे मैं जुबान से बयान नहीं कर सकता हूँ, वैसा व्यू है। इसकी खूबसूरती तो हमारे पहाड़ों की देखने को बनती है फ्रेंड, चाहे जैसे भी हो, है तो एक नंबर। ये देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है पीछे का, जो कि हर किसी के दिल को मोह लेगा। और ये मेरे ठीक ऊपर ही बादल उड़ रहे हैं, देख सकते हैं। ये देखिए ये बादल उड़ रहे हैं और ये मौसम बहुत ही खूबसूरत। और नीचे लंबा डगरी पर, और ये हमारी गोभी की फसल। व्यू को देखिए आप और देखते रह जाइए, बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल ब्यूटी। पीछे पहाड़ों को देखिए, एक नंबर एक नंबर एक नंबर। क्या व्यू है। देखिए ये पूरे व्यू को देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त एक नंबर।